माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान की 39 और 40 मांग पर चर्चा में सम्मिलित होने का अवसर दिया। मैं सीधा अपनी बात पे आता हूँ। जब भी नगरीय विकास और डेवलपमेंट की चर्चा होती है तो सभी सदस्य जब एक ही बात करते हैं कि कोटा को बहुत दिया, जयपुर को खूब दिया, जोधपुर को खूब दिया, पर मैं उस जोधपुर शहर से ही आता हूँ, वहाँ का विधायक हूँ, और जब ये बात सुनता हूँ तो आँखों में आंसू होते हैं और खून के घूंट पीता हूँ, क्योंकि जोधपुर के अंदर 3 विधानसभा है, सरदारपुरा, जोधपुर शहर और जोधपुर सुरसागर। और चूंकि पिछली 3 बार से विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के मुख्यमंत्री जोधपुर से ही रहे, पर वो जोधपुर बोलते हैं पर है वो सरदारपुरा से, तो जितनी भी घोषणाएं की गई और जितने भी काम हुए वो सभी सारे काम सरदारपुरा विधानसभा में हुए, जोधपुर में नहीं हुए। और हर बात हर काम कहता है कि जोधपुर में खूब काम हुआ, हमारे यहाँ पे भी करवाओ। अब मैं जोधपुर में जो वास्तविक समस्या है सीधे उसके ऊपर आता हूँ। मैं नगर निगम, नगर पालिका और माननीय मंत्री महोदय से और सभी इनके अधिकारी जो बैठे उनको भी इंगित करूँगा, क्योंकि मैं वास्तविक समस्या के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। जब भी कोई नक्शा पास किया जाता है भूमि भवन का, उसमें पार्किंग न होने पे ECU के चार्जेस लिए जाते हैं और बहुत भारी मात्रा में चार्जेस हैं, मतलब एक एक बिल्डिंग में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 40 लाख, इस राशि की वसूली ECU के माध्यम से की जाती है। और ECU का प्रावधान है कि वो राशि नए पार्किंग डेवलपमेंट के लिए यूज करनी चाहिए। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से, सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस ECU के रुपये का नगर निगम और JDA ने क्या उपयोग किया उसकी जानकारी सदन पटल पर रखें। दूसरा, इसी तरह फायर सेस, हर भवन निर्माण की अनुमति के साथ में बड़ी मात्रा में फायर सेस का वसूली की जाती है, और सेस वह होता है जिस चीज़ के लिए वो लगाया जाए वो सेस उस काम आना चाहिए। ECU भी वैसा ही है। तो फायर सेस के अंदर JDA और नगर निगम ने अभी तक कितनी राशि वसूली है और क्या उस सेस का फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और उनको डेवलप करने के लिए, अपग्रेडेशन के लिए काम हुआ है, उसकी भी जानकारी सदन पटल पर रखें और आगे ध्यान रखें। तीसरा, एक चीज़ कॉमन है, हम जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो वो ब्रैकेट के बाहर एक कॉमन फैक्टर निकाल देते थे, और जितनी भी नगर पालिका है, जो 282 हो या 242, एक कॉमन फैक्टर बाहर निकलता है, वो है नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार इतना नीचे से चालू होता है कि सबसे पहले एक 2x2 की समस्या आती है। जब मैं विधायक बन के और बीच में लोगों के बीच में जाता था, पार्षद को पूछता था कि आदमी क्यों नहीं है, कि साहब 2x2 की तकलीफ है। अब समझ में नहीं आया ये 2x2 क्या है, सभी विधायकगणों को तो मालूम है ये 2x2 की क्या इशू है, तो उसका भी माननीय मंत्री महोदय संज्ञान लें, और जितने लोग वार्ड में आवंटित हुए हैं सफाई के लिए, कम से कम वो उतने लोग उस वार्ड की सफाई जरूर करें। चौथा, हमारे जोधपुर में नगर निगम को पिछली सरकार की दूरदर्शिता, और ऐसा नहीं लगे कि जोधपुर में भी हम हार गए, इसलिए नगर पालिका को, नगर निगम को 2 क्षेत्रों में, उत्तर और दक्षिण में विभाजित कर दिया गया। संसाधन एक, बिल्डिंग वही, संसाधन वही, और 65 वार्ड के 168 वार्ड कर दिए, सारे संसाधन अधिकारी तितर बितर हो गए, कमरे नहीं बैठने को, पार्किंग में बैठ रहे हैं। तो मैं मंत्री महोदय से मांग करूं, भाई 8 मिनट दिए, अभी 3 मिनट हुए हैं, मंत्री महोदय ने से निवेदन करूंगा कि आप कृपया करके इन निगमों को एक करने का काम करें। आपको 5-6 एक मुख्य बिंदु नगर पालिका, नगर निगम मर्जी आए, जब कोई न कोई कंप्लेंट या किसी भी तरह से बिल्डिंग सीज करते हैं, उस बिल्डिंग को सीज करके वापस खोलने का अधिकार किसके पास है, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर एक ये धंधा बन गया था, जोधपुर में बिल्डिंग सीज होती थी और जयपुर खुलने के लिए फाइल आती थी, या व्यवहार होता था बिल्डिंग खुल जाती थी, अनुपालना कुछ नहीं होती थी, 60 दिन में अनुपालना का नोटिस देके और एक पेपर भेज दे, बिल्डिंग खुल जाती थी।
आप उसकी भी जानकारी ले लें ऐसी बिल्डिंगों में वापस अनुपालना कितनी हुई है। एक हमारे यहाँ RUIDP में वही हमारा वापस रोना के सरदारपुरा शहर और सुरसागर तीनों विधानसभाओं में अलग अलग RUIDP के कार्य संपादित करने के लिए टेंडर हुए, पर बीच में ही सरदारपुरा में शहर और सुरसागर से लगभग आधे काम स्थानांतरित हो गए और वो भी बिना कोई रोक टोक और बिना कोई प्रक्रिया को करते हुए। और उसकी मैं मंत्री महोदय से कहूँगा कि ऐसो जिसे जांच कराई जाए उसमें हमने ऑलरेडी लेटर दिया हुआ है। हमारे जोधपुर के अंदर सरस्वती नगर, ओम कॉलोनी, प्रजापत कॉलोनी, गांची कॉलोनी, बासनी गांव, लोअर कॉलोनी और JDA से मानजी के हत्ते एयरफोर्स से शिफ्टिंग किए हुए प्लॉट खसरा नंबर 734 राजस्थान आवन मंडल, इन सब में अभी तक पट्टे सरकार नहीं दे पा रही है जबकि इनकी कार्रवाई लगभग 90% पूरी हो चुकी है। मैं सभापति के माध्यम से ये कहना चाहूँगा भी उनमें जल्दी से जल्दी पट्टे दिलाएं। और सबसे बड़ा मुद्दा लूणी और सरदार शहर और सुरसागर की एक बाउंड्री है, वो गांव है ये शहर है, तो पैराफेरी के माध्यम से दूसरे सदस्यों ने जो मुद्दा उठाया पैराफेरी का, वो पैराफेरी वाले लोग लावारिस हो गए हैं। ऐसे कम से कम 16 गांव हैं और हजारों की संख्या में नागरिक है जो इन सुविधाओं से वंचित है। उसके बाद में मैं एक ही बात कहूँगा, मैं माननीय पारिक साहब की बात से मैं भी सहमत हूँ कि एक विशेष समुदाय वाल्मीकि समाज को ही इस भर्ती का लाभ दिया जाए, क्योंकि बाकी बातें सबने कर ली तो वो बात से मैं भी सहमत हूँ और वो भी एक मेरी मांग रहेगी। धन्यवाद। और एक अंत में एक 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 बात है, सिर्फ एक एक विशेष समुदाय को एक ही एड्रेस से धन्यवाद सभापति महोदय दिए गए, उनको आपने मुझे मांग संख्या 39 नगरीय विकास एवं आवासन, मांग संख्या 40 माननीय सदस्य 7-7 मिनट सबको दिए, सवाय शासन पर आपने बोलने का मुझे अवसर दिया।